हम श्रीनगर से आया मणिपाल हॉस्पिटल दिल्ली। पहले हमने श्रीनगर में बहुत हॉस्पिटल में इलाज करवाया, फिर गया था वो इंडस्ट्रियल सोग्रा में, उधर टेस्ट किया। उस दिन डॉक्टर ने बोला था बाद में आपको एज ज़्यादा है, सर्जरी नहीं आएगा आएगा तो मगर क्या पता ठीक रहेगा ना रहेगा, तो इसलिए हम आया था श्रीनगर हॉस्पिटल में। क्या नाम है इसको, ऑन द हॉस्पिटल में आया था। उधर डॉक्टर साहब शेख हमजा उनके पास गई थी, उसने बोला मैंने यार डिस्क प्रॉब्लम है, हम उसने बोला था आप दिल्ली आ जाओ, आप उधर सर्जरी हो जाएगा ठीक रहेगा। श्रीनगर से दिल्ली आया, मणिपाल हॉस्पिटल आया, डॉक्टर के साथ मिला, उसने 13 तारीख एडमिट हो गया, उसी दिन में ऑपरेशन हो गया, उसी दिन में चल सकता भी है, हम ठीक हो गया। ये अब्दुल अजीज साहब हैं, 74 इयर्स के, श्रीनगर के रहने वाले हैं। इनको कमर में डिस्क की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इनका चलना फिरना बहुत मुश्किल था। ये 10 मिनट भी नहीं चल पाते थे और इनफैक्ट झुक के चल रहे थे। ये पहली बार मुझे श्रीनगर की ओपीडी में मिले। मैं हर महीने एक बार ओपीडी के लिए जाता हूँ श्रीनगर, वहाँ पे मुझसे मुलाकात हुई इनकी। तो मैंने इनके MRI और एक्सरे देखा और उनको बताया कि आपकी दो लेवल L3 L4 और L4 L5 पे काफ़ी नस दबी हुई है, जिसके लिए सर्जरी की रिक्वायरमेंट रहेगी। इनकी उम्र ज़्यादा थी, थोड़ा ये घबराए थे। फिर इन्होंने और 2-4 ओपिनियन ली श्रीनगर में, फिर इनको समझ में आया सर्जरी ही तो करनी पड़ेगी। इन्होंने बहुत कोशिश करी कि सर्जरी श्रीनगर में हो जाए। ये कई हॉस्पिटल्स में गए, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ के अभाव की वजह से वहाँ पे डॉक्टरों ने मना किया कि इस एज में सर्जरी वहाँ पे थोड़ा रिस्की रहेगा। ये सब सुन के थोड़ा सा उन्होंने फिर डिसाइड किया कि हम सर्जरी दिल्ली में ही आके मणिपाल हॉस्पिटल में ही करवाएंगे। तो इन्होंने इस बात को समझा, ये 13 तारीख को आए यहाँ पे, उसी दिन हमने इनको एडमिट किया, सारी इन्वेस्टिगेशंस एनेस्थीसिया चेकअप करा के, और उसी दिन इनकी सर्जरी हुई। और अल्लाह के करम से इनकी सर्जरी सक्सेसफुल रही। अगले दिन से ये चल रहे थे, इनका पैर का दर्द और कमर का दर्द काफ़ी कम हो गया, और इनफैक्ट ये इंशाल्लाह 2 दिन बाद वापस श्रीनगर भी जा रहे हैं। बाकी का फॉलो अप हम श्रीनगर में ही करेंगे, क्योंकि मैं हर महीने एक बार ओपीडी के लिए वहीं पे आता हूँ।